नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई विदेशों से आने वाले जो लोग हैं, वर्कर हैं, मजदूर हैं, हर इंसान ये चाहता है कि हम थोड़ा बहुत गोल्ड लेके आए। जी हाँ साथियों, लेकिन उनको नहीं पता होता कि वो गोल्ड कितना लेके आए। इस चक्कर में तस्करों को तो सबको पता ही होता है भाई, वो तो जानबूझ के लेके आते हैं, फंसते हैं तो भी उनको पता है कुछ नहीं होने वाला, वो अपने तरीके से सिस्टम हैंडल कर लेते हैं। लेकिन एक वो शख्स जो थोड़ा बहुत 2 साल से 1 साल से 5 महीने से घर आता है तो वो सोचता है कि चलो अपने परिवार के लिए थोड़ा बहुत 50,000 का गोल्ड लेके चले, लेकिन उसको कंफ्यूज होता है कहीं पकड़ने ले कितना गोल्ड लेके जा सकते हैं। तो हम डिटेल से बात करेंगे किस प्रकार का गोल्ड आप लेके आ सकते हो, कौन सा गोल्ड पे कितना टैक्स लगेगा, और मतलब एक तो आप ज्वेलरी लेके आओ बने बनाया, एक आप बिस्कुट लेके आओ तो कितना डिफरेंस है। लगभग गल्फ कंट्री क्या सभी कंट्रियों की यही स्थिति है, कोई भी कंट्री से आप आ रहे हैं, इंडिया के जो गोल्ड लॉ बना हुआ है और गोल्ड का जो कानून बना हुआ है उसके हिसाब से हम पूरी डिटेल से आपको बात बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड रोज न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे ज्यादा गोल्ड स्मगलिंग कहां से होती है भाई, यूएई से। जी हाँ साथियों, सबसे ज्यादा यूएई से लोग गोल्ड लेके आते हैं इंडिया में, और वो फिर तस्करी के माध्यम से होता है तो पकड़े जाते हैं। लेकिन कस्टम विभाग आजकल शाना है, उनकी स्क्रीनिंग बड़ी जबरदस्त है तो पकड़े जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यूएई एक गोल्ड टैक्स फ्री कंट्री है, वहां पे आप कितना भी गोल्ड लो कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए वहां से लोग लेके आते हैं। क्योंकि वहां गोल्ड थोड़ा सस्ता हो जाता है, इंडिया से 5-7 हजार 8 हजार पर ग्राम में सस्ता मिल जाता है। तो कितना डिफरेंस हो गया भाई, अगर 10 लाख का गोल्ड लेते हैं तो कितना फायदा हो जाता है। तो इस तरह से वहां पे फिर ज्यादा तस्करी भी बढ़ जाती है। लेकिन एक मिनिमम आदमी अगर गोल्ड लेके आए, मान लीजिए लेडीज एक आदमी 2 साल से इंडिया आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी लिमिट पहले 50,000 करी थी, 50,000 का गोल्ड आप लेके आ सकते हैं। लेकिन अभी जब भाव बड़ा अलग था, लेकिन अभी ये सुनने में नया जो आ रहा है उसमें 10 ग्राम आप लेके आ सकते हैं। अब 10 ग्राम तो क्या होगा भाई, 40,000 का गोल्ड बनेगा, लेकिन फिर भी 50,000 तक का गोल्ड लेके आ सकते हैं। महिलाएं हैं, कोई लड़कियां वगैरह जो भी हैं वो अगर गोल्ड लेके आना चाहती हैं तो वो 1 लाख तक का गोल्ड लेके आ सकती हैं। वैसे इसमें 20 ग्राम दिया गया है, 20 ग्राम के हिसाब से वहां इंडिया के हिसाब से तो लाख रुपए का हो गया ना गोल्ड, क्योंकि इंडिया में 50 का भाव चल रहा है और वहां पे बात करें तो 80,000 का गोल्ड बन जाता है। तो इस तरह से वो गोल्ड लेके आ सकते। अब अगर बात करें कोई आभूषण आप लेके आ रहे हैं, ज्वेलरी जैसे बनी बनी बनाई आप खरीद के वहां से लेके आते हैं, इस कैटेगरी से ज्यादा हो जाती है तो कस्टम विभाग आपको रोकता है, पूछता है, तो उसका मार्किंग जो होता है उसका 36% आपको उसका डेवलपिंग चार्ज जो है कस्टम चार्ज वो आपको 36% पे करना होता है। जी हाँ, किसकी बात कर रहा हूँ, जो बना बनाया आभूषण लेके आते हैं उसमें 36% आपको टैक्स इन्वॉल्व होके आपको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए 10,000 का गोल्ड एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं तो 3,600 रुपये एक्स्ट्रा आपको हो गए ना, वो और देने पड़ेंगे, यानी 13,600 का आपका ये गोल्ड इंडिया में पड़ जाएगा, इस तरह से रहेगा। इसके अलावा हम बात करें, मान लीजिए आप बिस्कुट लेके आ, या फिर आप गोल्ड के सोने सोने का जो सिक्का होता है, गोल्ड का सिक्का लेके आ रहे हैं, उनके ऊपर अगर आप वो बना बनाया नहीं होता, वो पैकेज होता है जैसे गोल्ड का बिस्किट हो गया या फिर गोल्ड का सिक्का हो गया, उस पे 12.5% आपको टैक्स ड्यूटी देनी होती है। जी हाँ, उसमें कम है, लेकिन इसकी शर्त ये रहेगी कि वहां पे लीगल तरीके से आपका खरीदा हुआ आपके नाम से बिल होना चाहिए, तब ये ऑप्शन माना जाएगा। सीधा सपन है भाई, 1 साल के बाद अगर आप दुबई आते हैं तो 50,000 का गोल्ड आप लेके आ सकते हैं। इसके अलावा आप दुबई से 1 किलो 1 केजी गोल्ड साथ में लेके आ सकते हैं इंडिया में। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसका कस्टमाइज ड्यूटी है वो आपको देना। अगर आप 1 किलो गोल्ड लेके आते हैं तो कस्टमाइज ड्यूटी है जो 10.3 पॉइंट, जी हाँ साथियों, यानी 10.5% आपको एक्स्ट्रा कस्टमाइज जो ड्यूटी है वो देनी पड़ेगी। आराम से आप 1 नंबर में 1 किलो तक गोल्ड लेके आ सकते हैं। तो आपको मुझे लगता है पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। ये टैक्स बचाने के चक्कर में ये तस्करी के मुकदमे में लगते हैं, तस्करी के न्यूज आते हैं, क्योंकि वो उनको बचत वही होती है टैक्स वाली। अगर वो वहां पे टैक्स दे देंगे तो इंडिया के बराबर ये गोल्ड आ जाएगा, तो फिर वो इस लफड़े में जाएंगे नहीं, उनको कमाई नहीं होगी, वो बिजनेस ही नहीं करेंगे फिर। तो टैक्स बचाने के चक्कर में तस्करी वाला मैटर चलता रहता है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।